मन की सुनने के लिए कभी देर नहीं हुआ करती वैभव। कुछ है जो तू मुझे बताना चाहता है? हाँ मैं, वो प्रीति शादी के बाद भी काम करना चाहती है और काम के सिलसिले से उसे रतलाम से बाहर जाते रहना पड़ेगा, तो मैं सोचा आपसे पूछ लूं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मम्मी? हाँ तो परेशानी क्या है, काम करना चाहती है तो करे। थैंक यू, मुझे पता था आप यही बोलेंगी। बस यही बात थी? हाँ और कुछ नहीं पूछना था। मम्मी चलो डांस करें। आप भी ना। कैसा लग रहा है? नच रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहे हो। लेकिन ये रॉन्ग है, आपके भाई की शादी है और आपने मुझे नहीं बुलाया। शादी में ही मिल लेते ना, तुम्हें पता है मेरे पास भी सेम कलर की साड़ी है, यही पहनकर आती मैं भी शादी में। तो ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम वीडियो कॉल करूंगा तो तुम साड़ी पहन लेना, मैं ये कुर्ता पहन लूंगा। क्या हम वीडियो कॉलिंग पे बात करते रहेंगे हमेशा? सुनो मुझे मिलना है। चिल चिल मिलेंगे ना, ये शादी वादी खत्म हो जाने दो फिर तुम्हें बुलाते हैं। किसे बुला रहे हो? किसकी आवाज है? मेरी बहन है, मेरी बहन की आवाज है। बाय बाय बाय। किसकी आवाज है, कौन है? कोचिंग के मेरे दोस्त लोग है ना, वही पूछ रहे थे कि शादी में क्यों नहीं बुलाए। हाँ तो बुला लो ना, तो मैं बुलाऊं। अरे बुला लो मतलब, कैटरिंग का खर्चा देखा है, डैडी जी का ऐसे ही बीपी बढ़ रहा है और लोग बुला ले। वाह। अरे एक हाथ से बुलाने से कुछ नहीं होगा। एक हाथ नहीं है, वो कोचिंग के स्टूडेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह होते हैं, एक बुलाओ उनके चार चार ऑप्शन होते हैं, भीड़ लग जाएगा। तुम ये सब छोड़ो, हम लोग फोटो खिंचाते हैं। आजा ये देखो, कैसा लग रहा कुर्ता? बहुत क्यूट लग रहे हो। यही कह रही थी वो। कौन? कोचिंग की सारी मंडली यही कह रही थी, कुर्ता अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। तुम स्माइल करो ना। स्माइल।
अरे वो मैं कल मिठाई का डब्बा भूल गई थी और सोचा ये वेडिंग गिफ्ट है, उसको दे दूंगी। ओह चलो आओ मेरे से। तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। आदिति? हाँ। श्रेया तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लो। ये क्या है? तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट। बहुत प्यार से लाई हूँ, मना मत करना। श्रेया मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। गिफ्ट तो लेना पड़ेगा। अच्छा एक बार देख तो लो, हो सकता है फिर वापस ना कर पाओ। अच्छा ठीक है मैं ही दिखाती हूँ। मेरी शादी का कार्ड है। तुम शादी कर रही हो? हाँ क्यों नहीं कर सकती। तुम्हारे शादी के कार्ड भी छपे थे ना, अब मैं शादी कर लूँ इसलिए मैंने भी कार्ड छपा लिए। एक बार देखो तो सही किसका नाम लिखा है। लड़का पसंद आया कि नहीं? श्रेया संग वैभव? मुझे तो लड़का बहुत पसंद है इसलिए देर नहीं कर रही हूँ, आज ही शादी कर रही हूँ। ये क्या मजाक है श्रेया? बिल्कुल भी मजाक नहीं है। देखो ठीक से देखो, लड़के का नाम, शादी की तारीख और जगह सब लिखा है इसमें। शादी तो तुम्हारी होगी वैभव, लेकिन मुझसे। बधाई हो। दिमाग खराब हो गया क्या श्रेया तुम्हारा? देखो देखो चारों तरफ, मेरा नाम किसी और के साथ छप चुका है। और ये रखो इसे अपने पास। ये सब ट्रिक्स ना मेरे साथ काम नहीं आने वाली। बोला कुछ और जाए और निकले कुछ और, ट्रिक वो होती है। इसमें जो लिखा है वही होने वाला है, तो ये ट्रिक नहीं ये किस्मत है जो मेरी तुम्हारे साथ लिखी जा चुकी है। तुम चाहे मेहंदी से किसी का भी नाम लिखवा लो हाथ पे, किस्मत में तो मेरा ही नाम लिखा है। तुम्हारी ही शादी है, जरूर आना। आप क्या हो? मिसेस त्रिवेदी कब से पूछ रही, चलिए प्लीज प्लीज। बोलिए क्या आज रात को ही? नहीं नहीं ठीक है मैं रेडी रहूंगी, आप भेज देना। डन। क्या हुआ?
कौन था? मॉम मुझे आज रात को ही निकलना होगा। चलवा अब बता क्या बात है। मॉम वो जो फिल्म की बात की थी ना मैंने जिसमें मेरा रोल फाइनल हो गया उसकी कल सुबह से ही शूटिंग शुरू हो रही है। क्या? हाँ बोलो आज रात को ही मुझे लेने आ रहा है कार भेज रहे हैं पिक करने के लिए। पर प्रीति है ना कितनी कमाल की न्यूज बस कल से मेरा हीरोइन बनने का सफर शुरू और आपका हीरोइन की मॉम बनने का। बेटा आज रात को तेरी शादी है तो कैसे जाएगी? अरे मॉम फटाफट शादी करके निकल जाऊंगी तुझे क्या मजाक लगता है ये सब? प्रीति शादी के बाद विदा होकर ससुराल भी जाना होता है उसके लिए टाइम नहीं है मॉम मेरे पास मैं फेरे लेते ही निकल जाऊंगी। अरे लेकिन डोंट वरी मैं वैभव से बात कर लूंगी वो अपनी फैमिली से बात कर लेगा। अच्छा और तेरे पापा उनसे क्या कहेगी तू? पापा को मेरी शादी करवानी थी ना बस तब तक को मेरी शादी हो चुकी होगी वो भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। सब चाहे कुछ भी हो जाए मैं मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। मैं अभी वैभव से बात करती हूँ डोंट वरी। अरे बेटी शगुन की मेहंदी तो लगाती जा। लगा ली बस इतनी सी इस रिश्ते की भी इतनी सी जगह है मेरी लाइफ में। चलिए हम तो मेहंदी लगाएं आइए। अरे पर अब डिलीवरी कैसे हो गए भैया शादी का वेन्यू बगल में थोड़ी है। अरे लेकिन गाड़ी है नहीं तो कहाँ से लाओ यार। अरे तुम्हारा दिमाग नहीं है। अरे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अरे तुम कुछ भी बोले हो क्या? अरे क्या 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 हो गया? अरे गाड़ी नहीं है। अरे भैया इसने अपना टेम्पो कहीं और बुकिंग में लगवा दिया। कितना सारा सामान पहुँचाना है शादी के वेन्यू में कैसे पहुँचाएंगे आप ही बताइए। अरे ओ भाई क्या ये क्या टेम्पो कहीं और क्यों लगा दिया तुमने? सामान के सर पे लेके जाएंगे अभी तुम फोन करो दूसरा टेम्पो मंगाओ अभी। अरे भैया तब से इनको बोल बोल के दिमाग खराब हो चुका मेरा। अरे टेम्पो अवेलेबल है ही नहीं। हम क्या करें अपने भाई की शादी पोस्टपोन करवा दे। तुमको मैंने यार तुमसे आर्ग्यू करना मतलब नहीं है। तुम एक काम करो तुम्हारा जो भी सामान है जल्दी लेकर आओ मैं डिलीवरी करवाता हूँ। ओके जाओ। क्या बात है भैया आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। टेम्पो चला लेते हो आप? मैं ट्रक भी चलाता हूँ ट्रेन भी चलाता हूँ मालगाड़ी भी चलाता हूँ। इधर आ ये जो लंबी गाड़ी दिख रही है ना लग्जरी कार मेरी है सामान इसमें लोड कर और वेन्यू पर पहुंचा। थैंक यू भैया थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो मेरा क्या होता आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। थैंक यू अपने पास रख। हाँ जो टेम्पो को पर आवर बेसिस पे किराया देने वाला था ना वो मुझे दे दे और गाड़ी में एसी है टॉप क्वालिटी का उसके चार्जेस अलग समझा पकड़। कमाल करते हो भैया भाई की शादी में पैसा बना रहे हो। मैं तो पंडित की शादी में पैसा बना सकता हूँ। गाड़ी की चाबी चाहिए? पकड़ पकड़। और सुन गाड़ी पे एक भी स्क्रैच लगा ना तो उसके चार्जेस अलग समझा। चल 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 काम पे निकल। अरे एडवांस वेडवांस देने की जरूरत नहीं है पूरा पैसा। अरे अभी काय का पैसा भैया डिलीवर तो होने दो। अरे क्या डिलीवर होने दो? नहीं 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 तू पूरा पैसा अभी दे उसके बाद गाड़ी निकाल। भाई की शादी है भैया थोड़ा तो लिहाज करिए। एक काम कर शादी कैंसिल और तेरा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल। अरे नहीं 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 भैया ऐसा मत करिए प्लीज ना तू पूरा पैसा निकाल। चल भैया 2000 रुपए पूरा निकाल। नमस्कार दूल्हे के जीजा का प्रणाम। साला साहब के वेडिंग डे में आपका स्वागत है। तोहफे और मेहमान दोनों आ चुके हैं अब आइए आपको मिलवाते हैं हमारी फैमिली से। प्लीज कम। ये है हमारे घर की सबसे बड़ी बहू मिसेस माया रतलाम की फैशन आइकॉन। बड़े बड़े बैग और करोड़ों के सैक इनका कोई जवाब ही नहीं। ये क्या हो रहा है? आइए आइए ये है मेरी वाइफ मतलब मेरी लाइफ मेरी हंसती खेलती जिंदगी में कभी भी चुभने वाली नहीं। जितनी खूबसूरत लग रही हैं आप ऐसा आपको लगता होगा। आइए इनसे पूछते हैं। ये इस घर के बड़े बेटे मेरे साले साहब इनके बारे में जितना कहो उतना कम है इसलिए कुछ कहते ही नहीं है। इस घर के बड़े डैडी जी और अम्मा यहाँ खड़े। अम्मा जी आपके पति की शादी है कैसा लग रहा है आपको? मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। डैडी जी का मिलियन डॉलर स्माइल देख के पता चल रहा है आज ये 1.5 घंटे किसी पे नहीं भड़केंगे। चलिए अब आपको उन शख्सियत से मिलवाते हैं जो इस घर पे नहीं हमारे दिल पे भी राज करती है।
आइए। हमारे घर की लाइफ लाइन, हमारे घर की ऑक्सीजन, दिल की नरम थोड़ी सी सख्त, लक्ष्मी माँ की सबसे बड़ी भक्त, वानर माली प्यारी सासू माँ, प्लीज वेलकम। पहले कैमरा बंद कर दीजिए, मुझे शर्म आ रही है भाई। बंद कर दो, बंद कर दो। अच्छा ठीक है, कैमरा बंद कर दिया, आ जाओ बाहर। बंद हो गया, आइए ना। आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे 30 साल पहले ब्याह के आई थी इस घर में। वही मुस्कान, वही सुंदरता और वही शोभा और वही समझ भी। इस घर में जो खुशियां हैं सब इसी की वजह से हैं। मम्मी बहुत प्रिटी लग रहे हो, एकदम जूही चावला जैसे। सासुमा, लुकिंग ब्यूटीफुल। ओ साले साहब दूल्हे राजा, देखो सासुमा कितनी प्यारी लग रही है। हाँ मम्मी, बहुत प्यारी लग रही है। अब हम आपको उस मक्का उस मंदिर के दर्शन कराते हैं जहाँ बैठकर मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ। गुरु है? क्या कर रहे हो सर? किसका दर्शन करा रहे हो? दर्शन कर रहा हूँ। किसका? केबल का? अरे यार यहाँ बोल रहे हैं, फोकस यहाँ रखना है ना सर। तुमको कैमरा हैंडल करना नहीं आता क्या यार? तुम जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं सर, मैं करता हूँ ना। नहीं नहीं तुम जाओ ना, मैं कर लूंगा। जाओ, आइए हम आपको दर्शन कराते हैं जहाँ बैठ के। ये देखिए, यही वो कुर्सी है जहाँ। अरे यार, Who is calling? Hey, why are you calling? मैं मोहल्ले में आ गई। आप मोहल्ले में? किसके? आपके। मिला ना सरप्राइज? ऐसे क्यों सरप्राइज दे रही हैं आप? मैंने आपसे कहा था ना। आप रहने दीजिए, आपके चक्कर में 7 जन्म मुझे वीडियो कॉलिंग पे काटने पड़ेंगे। मैं आ गई हूँ और आपका घर ढूंढ रही हूँ। ये हमको फंसा देगी। अरे यार, ये नया मसला हो गया। ऐसे आले साहब की शादी में हमारी बारात में निकल जाए। सुनिए, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। कहाँ पे है? श्रेय, तू यहाँ? मैं तेरे पास ही आ रहा था। क्या किया तूने? अपने और यादव की शादी का कार्ड छपा दी। पापा आपने ही कहा था ना, वैभव अच्छा लड़का है, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसके लिए लड़ना मत छोड़ना। अरे हाँ तो लड़ेंगे, दोनों मिलकर लड़ेंगे ना। इसमें क्या, एक कार्ड या हजारों कार्ड छपवा देंगे, धूमधाम की शादी करेंगे तेरी। पर बेटा एक बार फैमिली से मिलने तो दे मेरे को, मैं सबको सेट कर दूंगा, यूं मना लूंगा सबको। नहीं पापा, प्यार मन से होता है, मनाने से नहीं। वैभव अपनी मर्जी से मुंह फेर के गया, तो अगर वो सच में मुझसे प्यार करता है तो अपनी मर्जी से ही लौट के आएगा। पापा पता है इसमें क्या है? ये तो मम्मी का दुपट्टा।
जो आपके साथ फेरे लेते वक्त उन्होंने ओढ़ा था। आज मैं भी वैभव के साथ फेरे लेते हुए यही ओढ़ूंगी। तेरी मम्मी ना आज वहां ऊपर से ही रो पड़ेगी। सुन रही हो क्या बोल रही है बच्ची? शादी हो रही है इसकी, कब इतने से इतनी बड़ी होगी पता ही नहीं चला। अच्छा तुम खुश रहना वहां पे, मैं यहां खुश रहूंगा, तो मुझे पूरा यकीन है मेरी बच्ची अपने घर में खुश रहेगी। We'll be a happy family. लेकिन लेकिन क्या हुआ पापा? एक बात सोच सोच के घबराहट हो रही है मुझे, कहीं वैभव नहीं आया तो? नहीं पापा, आपके साथ साथ आज मम्मी का आशीर्वाद भी मेरे सिर पे होगा। वैभव आएगा, जरूर आएगा।